हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रशांत ब्लॉग। एंड आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड माय ऑल टाइम फेवरेट कढ़ी चावल। एंड आई शेयर द एंटायर रेसिपी कि मेरे यहाँ पर कैसी बनती है। तो सुबह सुबह ही मम्मी ने ये दाल फुला दिया था। इस दाल को कहते क्या, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मुझे अभी तो पता नहीं है। देन इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया विथ अलॉट ऑफ गार्लिक। उसके बाद फिर इसमें मम्मी ने ऐड किया है नमक, हल्दी और लाल मिर्च। एंड इसको अच्छी तरह से फेटो। जितनी अच्छी तरह से इसको फेटोगे उतनी ही लाइट आपके जो पकौड़े बनते हैं, दाल के पकौड़े, वो बनेगा। सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से फेटते हो। ये था हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कि आपको दाल को अच्छे से फेंट के इसको साइड कर दो। फिर आप जो मेन इंग्रेडिएंट बनाते थे, तो छौंक लगाने के वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी जीरा और सूखे लाल मिर्च की, उसको भी मैंने रेडी करके साइड में रख दिया हुआ है। के साथ साथ ये है बेसन और दाल का पानी। इसको आप एक बड़े से बाउल में घोल कर रख लो, क्योंकि जब कढ़ी बनेगा तो उसका काम पड़ेगा। देन दिस इज़ दही जो हमने घर में जमाई और बहुत टेस्टी एंड फ्रेश दही यूज़ करा है मैंने। नाउ द स्टेप टू इज़ हम अपनी दही को भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब देखो दही कितनी ठंडी कि उसमें से भाप निकल रही है जब इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। तो इस दही को भी अच्छे से फेंट कर एकदम क्रीमिश बना देना है कि इसके ऊपर तो बबल्स बबल्स आ रहे हो वैसा। तो वंस दैट इज़ डन आप इसको साइड करके रख दो और हम बना लेंगे अब यहाँ पे दाल के पकौड़े। जो आज मैंने दाल को ग्राइंड किया है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वाटरी हो गया है, रनी हो गया है। आप चाहो नहीं, एक्चुअली मैं आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जब आपके दाल के पकौड़े बनेंगे ना वो थोड़े से दरदरे रहें ताकि वो ऐसा सॉलिड बन जाए। जब तक हम दाल के पकौड़े बन रहे हैं, जो हमारे बने हुए पकौड़े हैं आप एक दो निकाल के खा सकते हो, जो रिमेनिंग पकौड़े हैं इसको हम डाल देंगे दही के अंदर ताकि वो दही को भी ऑब्जर्व करता रहे। और जब आप ऐसे रेडी होगा ना वो बहुत मज़ेदार बनने वाला है। ये जो मैंने उस वक्त दिखाया था बेसन एंड दाल का पानी, तो थोड़ा सा बेसन लीजिए आप कटोरे में, उसमें डालिए ढेर सारा पानी एंड थोड़ा सा जो आपने दाल का बैटर बनाया था उसको, और अच्छे से मिक्स करके इसको साइड रख दीजिए। हमने यहाँ पे छौंक लगा दिया है सूखी लाल मिर्च और जीरे के साथ, और जो मैंने दाल का पानी जो तैयार किया था अब हम उस चीज़ को पोर करेंगे कढ़ाई में। बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस, थोड़ा सा फ्लेम नीचे कर देना और धीरे धीरे डालना, धीरे लो फ्लेम पर। अब आता है यहाँ पे क्रूशियल पार्ट। आपको ऐसे ही बस नहीं छोड़ देना है इसको कि हाँ ये खुद से बॉईल हो जाएगा। इसको आप धीरे धीरे चलाते रहना वरना ये नीचे बैठ जाएगा एंड इसमें क्रिएट हो जाएंगे लम्प्स। तो इसमें बस आप डालो नमक एंड हल्दी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड इसको फुल फ्लेम पर कर इसको अच्छी तरह से चलाते रहिए। थोड़ा थोड़ा आप रुक सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा छोड़कर आप चले जाओ। धीरे धीरे इसको आपको चलाते रहना ताकि इसमें जो लम्स हैं वो क्रिएट ना हो एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड गाढ़ी कढ़ी बन के रेडी होगी आपकी। देखो तीन चार उबाल आ चुका है, अच्छा उसका थिकनेस क्रिएट हो चुका है। तो अब जो कढ़ी एंड जो पकौड़े थे उस चीज़ को हम डाल देंगे यहाँ बैटर के अंदर, जो मतलब कढ़ी के अंदर है, और इसको भी थोड़ा सा फ्लेम लो करके इसको धीरे धीरे चलाएंगे। इसमें पानी वानी कुछ मत डालना, इसको अच्छी तरह से बस अब धीरे फ्लेम पर इसको दो से तीन उबाल, क्योंकि दही को ज़्यादा बॉयल नहीं किया जाता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसको हम धीरे धीरे ना उबालने देंगे, दो से तीन उबाल इज़ इनफ। एंड लुक एट दीज, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है इसको देखकर। तो ऐसे थोड़े देर इसको पकने देना। ये कढ़ी हो चुकी है बनके रेडी, लेट्स सर्व एंड ईट। Thank you.
And if you like my video, do not forget to like, share and subscribe my channel.